आपको पता था अभी तक कि पूरी दुनिया में फिफ्टी सेंचुरी no तक पंचुएशन यूज ही नहीं हुआ करते थे पंचुएशन मार्क यूज नहीं किए जाते थे थर्ड इज द डॉ देट अपियस द लेटर आई इज कॉल्डल आई के ऊपर एक डॉट लगाते हैं उस डॉट को आपको पता है क्या कहते हैं टाइटल कहते हैं द टर्म मेड ए यूज फॉर सिग्नलिंग फॉर हेल्प आफ्टर सॉस कम्स फ्रॉम द फ्रेंच एम एज विच इज प्रनाउंस मे डे एंड मीन्स हेल्प मी क्या आपको पता है कि ये जो मे डे वर्ड है जो सॉस के बाद आया मीन्स किसी को हेल्प में बुलाने के लिए यूज़ किया जाता है ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसको हम मे एड्स कहते हैं और जिसको प्रनाउंस किया जाता है मेड्स एंड मतलब होता है हेल्प मी द सेंटेंस द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्पस ओवर द लेजी डॉग यूज एवरी लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट क्या आपको ये पता है कि ये जो वर्ड है ये जो सेंटेंस है द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द लेजी डॉग ये जो सेंटेंस है इसमें इंग्लिश एल्फाबेट के जितने भी लेटर्स हैं ए से लेके जी तक ट्वेंटी सिक्स लेटर्स सारे के सारे हैं इसमें आप देख सकते हैं काउंट कर सकते हैं एंड डू द करेक्शन ऑफ द स्पेलिंग द लिटिल सर्कल्स ऑफ पेपर दैट आर कट आउट ऑफ दिकम पंच द होल्ड आपने कभी क्या कोई मशीन यूज की जिसमें पंच किया जाता है अब पंच करने के बाद जो छोटे छोटे सर्कल्स निकलते हैं पेपर के उन्हें आपको पता है उन्हें शैट कहा जाता है द वर्ड अम्बरेला इज डिराइव फ्राम द लैटिन रूड वर्ड अम्ब्रा सो so, ये जो अमरेला वर्ड है ये अम्ब्रा वर्ड एक लैटिन वर्ड है उससे लिया गया है विच मीन्स शेड और शैडो जिसका मतलब शेड या फिर शैडो है द सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस आर अरेबिक चाइनीज इंग्लिश तो यहाँ पे सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जा रही है यूनाइटेड नेशंस की तो ये जो सिक्स लैंग्वेजेज है पहली है अरेबिक फिर है चाइनीज फिर है इंग्लिश शियन एंड स्पेनिश तो ये सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूनाइटेड नेशंस के दाउंड की मीन दिस हैशटैग जिसे आप हैश टैग के रूप में यूज करते हैं द पाउंड की ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड एंड ऑक्टोथरपी इसे ऑक्टोथोरपी कहा जाता है संस्कृत इज कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल द हाइर लैंग्वेजेस आपको पता है कि संस्कृत को जितनी भी लैंग्वेजेस उनकी उनका मदर कहा जाता है दिस इज बिकॉज इट इज द मोस्ट प्रीशियस एंड देर फॉर सुचेबल लैंग्वेज फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस है कीमती है और सूटेबल लैंग्वेज है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की The word Himalaya means the home of snow. What is the name of Himalaya? Home of snow. Next, the expression tying the knot comes from an old Roman custom where the bride's clothes were tied up all in knots and the groom was supposed to untie the knots. आपको पता है टाई द नॉट जो है ये वर्ड जो है ये एक ओल्ड रोमन कस्टम से आया है जहाँ पे क्या करते थे जो ब्राइड मीन जो दुल्हन थी उसके कपड़ों को में क्या कहते थे, थे? गाठ लगा दी जाती थी उसको टाई कर दिया जाता था बहुत सारे नॉट्स बनाए जाते थे और जिससे क्या करना होता था जो ग्रूम है जो लड़के वाले हैं उनकी फैमिली को खोलना होता था कैटरपिलर मीन्स हैरी कैट इन ओल्ड फ्रेंच कैटरपिलर का मतलब होता है एक हेरी कैट फ्रेंच लैंग्वेज में January इज नेम्ड फ्राम द रोमन गॉड Janus. January जो नाम है वो एक जो हमारे रोमन गॉड है उनके नाम पे पड़ा है जिनका नाम था Janus. Janus वॉज अ टेम्पल गॉड ये एक टेम्पल गॉड थे जो who could look forward एंड बैकवर्ड एट द सेम टाइम ये सामने और पीछे एक ही समय में देख लिया करते थे. सोचिए कितना अमेजिंग है ये

रोमन कैथोलिक चर्च से आया हुआ है करता है कि किसी को जो है ब्लेस किया जाए सेंट किया जाए नहीं किया जाए डेविल्स एडवोकेट इज गिव एन ऑल्टर व्यू एडवोकेट को अपॉइंट किया जाता था एक ऑल्टरनेट व्यू देने के लिए द वर्ड सेट हैज मोर डेफिनेशन ये जो वर्ड है सेट इसके बहुत सारे डेफिनेशन हैं देन एनी अदर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज नेक्स्ट द वर्ड टॉय कम्स फ्राम एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट मीन्स टूल ये जो वर्ड टॉय है ये एक पुराने इंग्लिश वर्ड से आता है जिसको हम टूल कहते हैं सो वी हैव लर्न सो मेनी अमेजिंग थिंग्स हियर